मुंबई के कांदिवली इलाके के साईं धाम मंदिर के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन के बीच साईं मंदिर में जरूरतमंदों को खाना और दूसरा सामान बांटे जा रहे थे। दो दिन पहले साईं मंदिर के 17 कर्मचारियों की जांच कराई गई थी, जिसमें 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब बीएमसी इन सभी 12 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की तैयारी कर रही है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, और क्या तैयारियां की जा रही हैं और इस खबर से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, साईं धाम मंदिर में 12 कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होना कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और खासकर साईं मंदिर ऐसी जगह है कि जहां पर करीब दिन भर में 1000 के आसपास जो श्रद्धालु है वो जाते हैं वहां पर, और ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उनके संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना पुलिस के लिए या बीएमसी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और 12 लोगों का संक्रमित होना एक चौंकाने वाला है। उसके बाद उन लोगों ने लोगों को खाना भी खिलाया है, लोगों को तमाम सारे जगहों पर मुलाकात भी की है लोगों से, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है जिसको प्रशासन को जल्दी से जल्दी उनके संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को ढूंढना पड़ेगा।